दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हमने जो ये वीडियो बनाई है उसका मेन पर्पज़ है कि हम सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो भी हम कभी ख़रीदने जाते हैं तो वो एक्सीडेंटल है या नहीं है इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं। तो हमारा मेन पर्पज़ जो टॉपिक का वही यही है कि एक्सीडेंटल गाड़ी का कैसे पता लगाया जाए, हाउ टू चेक द एक्सीडेंटल कार। तो दोस्तों आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले हमें उसके चारों तरफ से उसको 360 डिग्री व्यू ले लेना चाहिए, चारों तरफ से गाड़ी देख लेनी चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या पेंट हो रखा है, कहीं से मेजर कोई पार्ट एक्सीडेंटल होकर इसको चेंज तो नहीं हो रखा है। देखिए माइनर छोटा मोटा टचिंग तो हर गाड़ी में सड़क पर चलेगी तो लगेगी, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंटल वाला कोई पार्ट अगर ऐसा है कि आगे से गाड़ी लगी हुई है, आगे का हिस्सा पूरा अगर इंजन चेंज हो गया है तो वो बहुत बड़ा मेजर होता है, लेकिन माइनर तो छोटा मोटा चलता ही है। पहले इस गाड़ी को चारों तरफ से देख लेते हैं कि इस गाड़ी की क्या हालत है। इस गाड़ी का अगर हम साइड से देखेंगे तो ये जो लेफ़्ट साइड का जो फेंडर देख रहे हैं ये ज़रूर थोड़ा सा कलर हो रखा है, इसका मतलब गाड़ी कहीं हल्के से लेफ़्ट साइड से टच हो रखी थी। आगे का बोनट देखेंगे तो बोनट भी थोड़ा सा हल्का सा कलर लग रहा है, ये इसका मतलब आगे से ये गाड़ी कहीं से इम्पैक्ट हुई है, उसके कारण ये आप जो देख रहे हैं ये कलर हो रखा है। खैर ये तो माइनर है। कभी भी गाड़ी का अगर आपको पिलर चेक करने की गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है तो सबसे पहले इस रबड़ को आप हटा के देखेंगे, ये रबड़ हटा के देखेंगे जो आप जो डॉट्स देख रहे हैं, ये आप जो डॉट्स देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कंपनी फिटेड ही होता है, इसका मतलब ये ओरिजिनल है गाड़ी, एक्सीडेंटल नहीं है, यहाँ से कोई भी हिस्सा यहाँ से चेंज नहीं हो रखा है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। चारों आप इस पिलर को चेक कर सकते हैं अच्छे से, कभी आप गाड़ी लें तो आप ये सारे ये नॉब देख लीजिए, इसका मतलब ये ओरिजिनल है, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हो रखा है। गाड़ी के अगर बूट स्पेस की बात करें पीछे से तो ये जो पेस्टिंग देख रहे हैं कंपनी, ये पूरी कंपनी की फिटिंग ही है पूरी, ये जो आप देख रहे हैं आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को अगर आपको दिख रहा हो तो, ये पूरा कंपनी की ही पेस्टिंग है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका मतलब बूट स्पेस भी एकदम ओरिजिनल है। हाँ थोड़ा बहुत जरूर कलर हो रखा है शायद स्क्रैचिंग वैसे, यहाँ से देखिए ये देख रहे हैं आप, ये जो पेस्टिंग है यहाँ से बनी हुई है, इसका मतलब गाड़ी पीछे से भी इंपैक्ट हुई थी, इसको वापस रिपेयर किया गया है। तो ये ज़रूर आपको सबको चीज़ चेक करनी है, ये नहीं कि आप बाहर से देखें और बोले कि गाड़ी अच्छी है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें, चारों तरफ से आप गाड़ी को अच्छे से 360 डिग्री व्यू देख लीजिए, जैसे लाइटें वाइट है, कोई टेल लाइट वगैरह टूटी हुई तो नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। ये दरवाज़ा देखिए, गाड़ी मतलब चारों तरफ से कलर हो रखी है, इसका मतलब गाड़ी में या तो स्क्रैचेस थे या मेजर एक्सीडेंटल था। आप ये देख सकते हैं यहाँ से, इस पिलर को भी आप चेक करेंगे, ये भी देखिए जो ये देख रहे हैं पॉइंट्स, ये पेस्टिंग ये कंपनी की है, इसका मतलब यहाँ से गाड़ी नहीं लगी है, सिर्फ डिग्गी लगी है। गाड़ी की जहाँ तक बात करें नीचे की तरफ से, ये जो रनिंग बॉर्डर होता है इसको हम इस एरिए को हम रनिंग बॉर्डर बोलते हैं, रनिंग बॉर्डर भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं से लगा हुआ तो नहीं है। फिलहाल ये गाड़ी चारों तरफ से ओके है। टायर की कंडीशन की अगर हम बात करें तो टायर फिलहाल इसमें ओके जेन्युइन है, शायद अभी लगवाए गए हैं तो अभी ये चल जाएंगे टायर, खूब चलेंगे, टायर की कंडीशन एकदम ओके है। देखिए ये इंजन का पार्ट है, इंजन पार्ट की जैसे आप बोनट खोलोगे तो बोनट के सामने जो आप ये पट्टी देख रहे हैं, ये जो गाड़ी का जो कलर है उससे थोड़ी सी अलग रहती है, जैसे ये वाइट कलर है तो ये इसका डार्क थोड़ा सा अलग है, ग्रे टाइप का हल्का सा कलर है, इसका मतलब ये जो आप ये देख रहे हैं ये चेंज नहीं हो रखा है, गाड़ी एकदम ओरिजिनल है। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे इसकी ये पेस्टिंग देखेंगे, ये कंपनी वाली पेस्टिंग है, इसका मतलब गाड़ी का जो मेन अगर एक्सीडेंट सामने से अगर गाड़ी कई बार लगती है तो छोटा मोटा चल जाता है, लेकिन जो कंपनी की जो जिस इसको एप्रॉन्स बोलते हैं, ये एप्रॉन्स की जो ये पेस्टिंग है एकदम कंपनी फिटेड ही है, कंपनी से हो रखी है, इसका मतलब गाड़ी यहाँ से साइड से अंदर तक की तरफ इंपैक्ट नहीं हुई है, साइड से ही लगी गई है गाड़ी, इसका मतलब ये गाड़ी बाहर से हल्की सी इंपैक्ट हुई थी, अंदर की तरफ इसका मेजर एक्सीडेंटल नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगर इसकी बोनेट की, तो बोनेट अगर आप जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि बॉडी का ये कलर हो रखा है, लेकिन अगर अंदर से आप देखेंगे तो ये जो पेस्टिंग देख रहे हैं आप, ये जो पेस्टिंग देख रहे हैं ये कंपनी की ही है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कभी आपको गाड़ी लेने जावें। अंदर से कई बार आप देखेंगे तो अंदर कई बार रस्टेड होता है, लेकिन गाड़ी अंदर से रस्टेड नहीं है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। गाड़ी स्टार्ट करके आप ज़रूर देखिए कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कई बार गाड़ी के ऑयल में से लीकेज होता है, यहाँ पे ऑयल लीक होता रहता है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए आप कि गाड़ी में कोई लीकेज तो नहीं है। इसका ये जो ऑयल लीवर है इसको निकाल के देखेंगे कि इसमें कोई, ये ऑयल की क्वालिटी देखेंगे तो ऑयल ये काला थोड़ा पड़ चुका है, इसका मतलब गाड़ी सर्विस मांग रही है, डीजल गाड़ी है वैसे ये, ऑयल तो काला दिखेगा ही लेकिन फिर भी
गाड़ी सर्विस रिक्वायरमेंट मांग रही है, इस नोजल को वापस डाल देंगे। गाड़ी स्टार्ट करके जरूर देखिए, कोई कट 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 किसी प्रकार की कोई बेल्ट की या किसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है इसका मतलब गाड़ी में छोटा मोटा कुछ काम आया हुआ है। गाड़ी की मेंटेनेंस की, गाड़ी की आवाज़ से पता चलता है कि सामने वाले जो ओनर है उन्होंने गाड़ी की कंडीशन को कैसे रखा है। ये गाड़ी का एग्जॉस्ट है, इस यहाँ पे आप हल्के से उंगली लगा के देखेंगे, देखिए डीजल गाड़ी है लेकिन ये ऑयल कभी चिपचिपा या गीला नहीं होना चाहिए, सूखा है। इसका मतलब इंजन की क्वालिटी फ़िलहाल ठीक है, इंजन में कोई काम नहीं आया हुआ है। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं गाड़ी के किलोमीटर्स की चेकिंग करते हैं। देखिए गाड़ी के जो किलोमीटर जो इसमें दिखा रहा है वो 89,174 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सारी लाइटें बराबर जल रही हैं, सीट बेल्ट वगैरह जल रही है, गेट खुला हुआ है, हैंड ब्रेक की लाइट जल रही है इसमें, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। म्यूजिक सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड लगा हुआ है क्योंकि ये वीडियो मॉडल है, कंपनी की तरफ से लगा आया था। ये है गाड़ी के सारे पावर विंडोज़ के बटन, इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे। ये आगे वाला बटन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी मशीन ख़राब है। चलिए लेफ्ट वाला चेक करते हैं, ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये छोटा मोटा माइनर खर्चा है, इसको हम छोटा मोटा रिपेयर है, ये कोई मेजर खर्चा नहीं है। लेकिन ये अंदर उसकी मोटर ख़राब रखी है, ये इसका मतलब ये छोटा इसके अंदर की मोटर ख़राब है, रिपेयर मांग रही है। चलिए अब गाड़ी को थोड़ा चला के देखते हैं कि कोई आवाज़ तो नहीं है। गाड़ी को चलो चला के देखते हैं, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, बच्चे खेल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर कोई शॉकर सस्पेंशन किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है। कभी कभी गाड़ी आप चलाओगे तो कुछ गाड़ियों में आके शॉकर या सस्पेंशन वगैरह की आवाज़ आती है, इसका मतलब गाड़ी रिपेयरिंग मांग रही है, एक्सल की आवाज़ आती है गाड़ी मोड़ते टाइम। तो कई लोग ये चला के जिनको बेचनी होती है वो खर्चा नहीं करते कि भाई गाड़ी हम बेच ही रहे हैं तो उसमें हम क्यों खर्चा करें। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि देखिए गाड़ी की जो रेट आती है, गाड़ी की रेट के साथ साथ ना आपको ये भी देखना कि गाड़ी खरीदते टाइम उसके बाद आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। चलिए हम गाड़ी मोड़ के देखते हैं कि कोई एक्सल की आवाज़ तो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए वापस रिवर्स लेके देखते हैं, रिवर्स गियर कैसा लगता है इसमें, पीछे देख लेते कोई आ तो नहीं रहा। गाड़ी जो चला के देखी है इसका मतलब गाड़ी एकदम ओके है, गाड़ी में फिलहाल अभी वैसा कोई मैकेनिकल खर्चा नहीं है। हाँ ज़रूर छोटे मोटे कुछ पार्ट्स जरूर आगे पीछे रिपेयर हो रखे हैं और कलर हो रखे हैं, तो मेन ये बात है कि जिसने गाड़ी रखी है उसने तैयार करा के रखी है। जो भी गाड़ी अगर वापस परचेज करेगा, जिसको भी गाड़ी परचेज करनी होगी उसको इतना मैकेनिकल खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सर्विस जरूर ऑयल पानी देखिए। आप कभी गाड़ी लेते हो उसकी सर्विस जरूर करा के रखें, भली गाड़ी सर्विस हो रखी हो वो आपकी तसर के लिए रहता है, एक बार आप सर्विस जरूर कराएं, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि आपने कितने किलोमीटर पर सर्विस कराई थी और अब आपको कितने किलोमीटर सर्विस करवानी है, तो ये आपके पास कैलकुलेशन आपके माइंड में सेट रहेगा। देखिए ये पावर विंडो पहले काम नहीं कर रही थी आगे वाली, लेकिन अभी प्रॉपर काम कर रही है, इसका मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, इसका मतलब बीच बीच में कभी कभी अटक जाता है, इसको थोड़ा चेक करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं ये जरूर कैसे चेक की जाए, हमने इस वीडियो में आपको बताया है। और कभी भी आप गाड़ी लें तो इस चीज़ को पूरा चेक करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। आगे आप कैसी वीडियो चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, आने वाली जो भी वीडियोज़ आएगी मैं आपको नई नई जानकारियाँ देते रहूँगा। थैंक यू और जय हिंद।